गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। काफ़ी टाइम हो गया, मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं की थी, व्लॉग पोस्ट नहीं किया था। मैं इंडिया आया हूँ आजकल एंड आई गॉट अ चांस टू विजिट माय फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड रिलेटिव्स। सो यहाँ पे मुझे एक अच्छा मौका मिला है कि आज मैं अपने मामू के घर आया हूँ एंड आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू। आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो कि एक रिलीजियस प्लेस है और काफ़ी लोग मानते हैं उस जगह को। वो एक सरप्राइज़ है, जब हम ऊपर उस जगह पे पहुंचेंगे तो डिस्क्लोज करेंगे। होप यू गाइस विल एंजॉय दिस व्लॉग, स्टे ट्यून्ड। गाइस, इनिशियली जो हमारा प्लान था वो गाड़ी लेके जाने का था, बट लोकल्स ने हमें बताया कि अभी भी कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है तो रोड अभी तक थ्रू नहीं है, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ तक वॉक करके जाएंगे, व्हील ट्रैक। गाइस, जो आपको ये गांव दिखाई दे रहा है ये खलांटू गांव है। ये शिमला से लगभग 63 किलोमीटर्स की दूरी पे है। ये मेरे मामू का गांव भी है। इसके पीछे जो आपको ये बगीचे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे बगीचे सेब के बगीचे हैं, दीज ऑल आर एप्पल ऑर्चर्ड्स। इसके अलावा जो आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है जहाँ मैं अभी जूम इन करूँगा, वो एरिया शिलारू का है। खलांटू के कुछ आसपास के गांव भी यहां से दिखाई पड़ते हैं, जिसमें से कि शर्मला आपको यहां दिख रहा होगा। यहां के हमारे कुलिष्ठ देवता जी भी हैं, जिनका नाम श्री डोम देवता नगर कोटेश्वर महाराज जी है। हमारे देवता जी डोम देवता शर्मला के नाम से भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो जगह मैं आपको अभी दिखाने जाने वाला हूँ वो स्थान भी हमारे ही देवता जी का है। कुछ दूर आके हमें प्यारा सा लकड़ी का और पत्थरों का बना हुआ मकान मिला। यूजुअली यहाँ के जो लोकल्स हैं, उनके जो हेल्पर्स होते हैं जो बगीचों में काम करते हैं, वो इस तरह के घरों में रहते हैं। अभी तो ये मेंटेन नहीं है, आई थिंक बहुत सालों से यहाँ पे कोई नहीं रहा है। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड एंटीक। ओके, सो यहाँ पे अभी भी काफ़ी स्नो है एंड this looks so beautiful actually. हमको नहीं पता हम ये क्यों कर रहे हैं, बट जस्ट फॉर फन। बहुत ठंडा हो जाएगा ये पानी। मेरे इस ट्रिप में मेरे साथ मेरे मामू का बेटा भी था जिसका नाम राजा काल्टा है एंड ही वाज सच अ ग्रेट सपोर्ट थ्रू आउट माय जर्नी। बहुत ठंडा है। बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे तो। पतले पतले से बनाने पड़ेंगे ना, जो एक साथ ही चले गए काफी। गाइस, दिस इज द वे, लुक हाउ रफ इट इज। आई डोंट नो हम सही रास्ते से आए भी है कि नहीं, बट लग तो यही रहा था कि यही रास्ता है। बट आई थिंक जो रोड बनी है कंस्ट्रक्शन के टाइम, ये सारे पत्थर उन रास्तों पे आ गए एंड नाउ दे दीज पाथवेज आर जस्ट स्क्रूड अप नाउ। सो आई डोंट नो, यार तो जैकेट फाड़, यार तो जैकेट फाड़ देगा पता है हमको कहीं। हाँ नहीं, बट ये जैकेट फाड़ सकता है। यहाँ पे इतने पहने कांटे जो हमारे जैकेट्स को भी क्लियर कर सकते हैं, सो यू जस्ट हैव टू प्रे फॉर। ओह माय गॉड, आपने हर चीज दिला दिया। कोई बात नहीं बेटे, ये तो फन है। ओम गाइस, दिस इज द रोड। सी कुछ जगह बहुत अच्छा है जहाँ पे सनी एरियाज है, बिकॉज स्नो वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रहती नहीं है। बट जहाँ जहाँ स्नो रहती फिर वहाँ पे गाड़ी
पुश करना इज जस्ट रिस्की, यू डोंट वांट टेक दैट रिस्क. आजा आजा, तूने 2 मिनट बोले थे ना, यहीं पहुंचे तो मैं. आप स्लो चल रहे हो. स्लो नहीं चल रहा आजकल, वैसे भी चलने की आदत जा चुकी है लोगों की. कहाँ से रास्ता सी? So guys, we are just about to reach in like 5 minutes. Here we are at our destination. So guys, finally we are at the place which is known as Shamukhar, जो हमारे यहाँ पे कुल देवता है श्री डोम देवता शर्मला जी. ये उनका स्थान है जहाँ पे आई थिंक 18 से 25 साल के बीच, आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट, 18 से 25 साल के बाद यहाँ पे जातर होती है. और रिसेंटली अभी 1.5 साल पहले यहाँ पे वही जातर हुई थी. अनफॉर्चुनेटली मैं उस जातर में नहीं आ पाया था, बट यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आए थे. गाइज, इस तरीके से आप अभी इस जगह को देख रहे हो, ये कुछ साल पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी. ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, छोटा सा मंदिर हुआ करता था, ये रेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता था यहाँ पे. अभी जब जातर हुई 1.5 साल पहले, उससे पहले ही उससे आई थिंक 2-3 साल पहले रेनोवेट किया गया है इस जगह को. और अब जाके यहाँ पे प्रॉपर मंदिर बनाया गया है बीच में, और साथ में रेलिंग्स की गई है. गाइज, आप इस फोटो में देख सकते हो कि ये पहले कैसे हुआ करता था, और पहले भी ये काफ़ी सुंदर था, इसकी सुंदरता में कोई भी कमी नहीं थी. हर जगह से इसको सर्कल कर दिया गया है. जब भी यहाँ पे शर्मला के देवता जाते हैं, श्री डोम देवता शर्मला, तो उनकी जो पालकी है वो वहाँ पे उस स्थान पे रखी जाती है. आपको एक और अट्रैक्टिव चीज़ बताता हूँ इस जगह के बारे में. इस जगह से बहुत ही अट्रैक्टिव वो नज़ारा होता है जब देवता जी यहाँ से अंदर जाते हैं और इसी पानी से होते हुए उस मंदिर तक पहुँचते हैं. तो उस चीज़ को विटनेस करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी क्लिप यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ. आप देख सकते हो कि वो नज़ारा कैसा होता है. यहाँ के बारे में अगर मैं आपको और बताऊँ तो शमुखर इज एन एक्सट्रीम गोल फॉर विजिटर एंड डिवोटीज. एक और बात ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस स्थान को तीर्थ स्थल मानते हैं, हमारे लिए तीर्थ समान है. यू विल फील दैट प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस आउट हियर. इट इज ऑल्सो सेड दैट पीपल अकंपनीज देयर डिजायर टू द टेंपल, एंड इट इज स्ट्रांगली बिलीव दैट आस्किंग विद अ जेन्युइन हार्ट विल डेफिनेटली गेट सेटिस्फाइड विद समथिंग. दैट इज एन अमेजिंग थिंग गाइस. एंड यहाँ से जो पूरा व्यू है वो इस तरीके से दिखता है. मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ. गाइस, इस जगह के बारे में एक और ख़ास बात ये भी है कि जो यहाँ के लोकल्स है उनका मानना है कि इसे
काली मिट्टी शमुखर भी कहा जाता है। इस टाइम तो यहाँ पे स्नो काफ़ी है सो दैट मैं इतना आपको बता नहीं सकता, बट ऑन द साइड्स यू कैन सी दिस, दिस इज सो ब्लैक लिटरली। गाइस एक बात और जो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, यहाँ के जो लोकल्स हैं जब से ये सीलिंग हुई है चारों तरफ से, तब से यहाँ के जो जंगली जानवर है और लोकल्स के जो गाय भेड़ बकरी है उनका पानी पीना तो यहाँ से बंद हो गया था, बट उन्होंने फिर भी एक काम करते ही जैसे भी कटे ड्रम्स है उसमें पानी, अगर तो बारिश हो जाए तो ऑटोमेटिकली पानी भर जाता है, अदरवाइज़ कोई भी यहाँ से चलता फिरता कोई भी लोकल और मे बी जिनको ये चीज़ पता है वो अंदर जाके ये जग का इस्तेमाल करके वो यहाँ से पानी भर के इसमें भर देते हैं, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है यहाँ के जानवरों के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात सोची है यहाँ के लोकल्स ने। सो गाइस बिफोर आई एंड दिस व्लॉग, मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि जब भी आप कभी ऐसे देवी देवताओं के स्थानों पे आए, मेक श्योर दैट यू कीप देम सेफ क्लीन एंड ग्रीन। एंड जाते जाते मैं आप लोगों के लिए दो लाइनें गुनगुनाना चाहता हूँ। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। इसी के साथ प्लीज सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस व्लॉग एज मच एज पॉसिबल। हर हर महादेव, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट वन।